गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टेंसेस सीरीज में आपका स्वागत है। आज जो टेंस मैं आपको बताने वाली हूँ, जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले मैंने आपको बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस ही टेंस कहलाया जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मीन्स एक्शन इज हैपनिंग जस्ट नाउ और एक्शन इज हैपनिंग फ्रिक्वेंटली। ओके, सो वेयर वी आर यूजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड वेयर वी आर यूजिंग द टू बी फॉर्म्स इज आर एम प्लस वर्ब देन आईएनजी। ओके स्टूडेंट्स, अब नाउ टुडेज जो चैप्टर है वह है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस का मतलब भी मतलब ये है कि चूँकि पास्ट के अंदर जो एक्शंस लगातार चल रहा था, लिसन, द एक्शन वॉज हैपनिंग फ्रिक्वेंटली और रेगुलरली इन द पास्ट। स्टूडेंट्स, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हमेशा ऐसे टू जो होते हैं ना, टू एक्शंस होते हैं जो कि साथ में आते हैं, जो कि पास्ट के अंदर टू एक्शंस साथ में करते हैं, तो उस समय हम एक एक्शंस के लिए वी आर यूजिंग पास्ट कंटिन्यूअस, यू नो, जो साइमल्टेनियसली चलते हैं कि लाइक व्हेन योर फोन रैंग आई वॉज स्लीपिंग, जब आपका फ़ोन बजा मैं सो रहा था, तो टू एक्शंस आर कमिंग टू टुगेदर हियर कि आपका फ़ोन बजा और मैं सो रहा था, मतलब व्हेन योर फोन रैंग आई वॉज स्लीपिंग। तो ऑलमोस्ट सिंपल पास्ट, जब टू एक्शंस में होते हैं पास्ट में, स्टूडेंट्स व्हेन टू एक्शंस हैपेंड इन द पास्ट together, so in one actions we are using past continuous tense. जब मैं स्टेशन पहुंचा, रेल चल रही थी, है ना, when I reached the station the train was going, है ना, तो two actions, आप एक स्टेशन पहुंचे और दूसरा रेल चल रही थी, तो जो आपके सामने, जब स्मिता ने गाना गाया उस समय ऑडियंस तालियां बजा रही थी, व्हेन रीना सेंग द सॉन्ग द ऑडियंस वॉज या ऑडियंस वेयर क्लैपिंग लाउडली। सो मोस्ट ऑफ टाइम व्हेन टू एक्शंस हैपन टुगेदर इन द पास्ट वी आर इन वन एक्शंस वी आर यूजिंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। स्टूडेंट्स, अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम हाउ वी आर फॉर्मिंग द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वी आर फॉर्मिंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लाइक दिस कि फर्स्ट वी विल टेक द सब्जेक्ट, ओके, एंड देन टू बी फॉर्म्स वॉज एंड वेयर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। ओके, सो इट्स अ वेरी सिंपल, व्हेन इन प्रेजेंट टेंस वी आर यूजिंग द फॉर्म ऑफ टू बी इज आर एम एंड इन past tense we are using form of to be was and were. Okay students, so see, you were watching television last night, they were studying math yesterday, I was washing the dishes when the phone rang. See, as she was reading the books, Alice came, it was raining evening yesterday. Almost you know कि simple past tense and simple continuous tense, almost किसी situation में हम simple past tense use कर सकते हैं और किसी continuous में हम यहाँ पर simple past tense भी use कर सकते हैं। It rained yesterday, मतलब एक specific time है, but it is not incorrect when we are using it was raining yesterday, मतलब हो रही थी लगातार, तो ये हम वहाँ पर past continuous tense use करते हैं। सी स्ट्रक्चर, सी सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, आई वॉज बाइंग बुक्स, मैं बुक्स खरीद रही थी, है ना, ओके, देन व्हेन वी आर मेकिंग द नेगेटिव सेंटेंस वी आर यूजिंग नॉट विथ वॉज एंड वर्ब, वॉज एंड वर्ब के बाद में हम नॉट लगाएंगे, जैसे आई वॉज not buying books, ठीक है, he was drawing the old man out of the ditch,
He was not ditching the old man out of the ditch. He was writing an interesting story. He was not writing an interesting story. Was he living in the house? Was he not living in the house? I was not reciting the national anthem. John was traveling to Venice. John was not traveling to Venice. ठीक है. She was driving the car. She was not driving the car. They were eating mangoes. They were not eating mangoes. Okay. So example C. In the past continuous tense, we use was, were, and the third form of the verb past participle. है ना. Was is used with. अब देखिए first person के साथ में I के साथ में यहाँ पे we can use was and were. Both are right. But almost I were when we are using when we are going to imagine. Okay. Almost नहीं तो I के साथ हम was use करते हैं. Third person he or she और singular noun के साथ में हम was use करेंगे. First person we, second person you and third person they. And plural nouns के साथ में हम लोग use करेंगे were. So I was going to the pub. He was dancing like a nagin. She was taking selfie before dying. It was raining yesterday. You were talking to her. We were making fun of her. They were talking bath together. Alarm was running towards the train. Those women were standing then were yesterday as well. Understood students? Past continuous का मतलब समझ में आ गया. Past continuous हम affirmative sentence जो positive sentence होते हैं वो कैसे form होते हैं. Negative sentence was and were के साथ में हम not use करेंगे और उसके बाद में हम verb की verb one plus ing का use करेंगे. ओके. अब इंट्रोगेटिव मैंने इस बार नहीं लिए हैं सो वी विल नॉट टेक द इंट्रोगेटिव. तो स्टूडेंट्स जो हमने टेंसेस पढ़े थे आज तक प्रेजेंट सिंपल टेंस प्रेजेंट पास्ट टेंस एंड सॉरी पास्ट सिंपल टेंस एंड फ्यूचर सिंपल टेंस देन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस एंड पास्ट कंटिन्यूस टेंस. एक बार मैं वापस से आपको रिकॉल कर देती हूँ. प्रेजेंट सिंपल टेंस वी यूज फॉर आवर डेली रेगुलर वॉक्स फॉर हैबिट्स. पास्ट सिंपल टेंस व्हेन एक्शन इज हैपनिंग इन द स्पेसिफिक टाइम ऑफ पास्ट व्हेन वी यूज पास्ट सिंपल टेंस. फ्यूचर सिंपल टेंस वी यूज व्हेन द एक्शंस विल टेक द प्लेस इन फ्यूचर और एनी इवेंट. ओके. व्हेन वी आर यूजिंग सिंपल फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस मीन्स एक्शन इज हैपनिंग नाउ. एक्शन इज हैपनिंग नाउ. जस्ट सी योर सराउंडिंग व्हाट एक्शन इज गोइंग ऑन नियर बाई यू या नियर बाई योर सराउंडिंग. जस्ट सी की बर्ड्स आर फ्लाइंग द मैन इज ड्राइविंग वेंडर्स आर रूमिंग हियर एंड देयर. सो ऑलमोस्ट यू कैन डिस्क्राइब द सिचुएशन ऑफ प्रेजेंट. तो यू कैन यूज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. Then we are coming on past continuous tense when we two actions happen together. So in one actions we can use past continuous tense. Okay students. So I hope कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा students. Students simple present tense में हम verb one use करते हैं. Verb one के साथ में हम s और es use करते हैं. यदि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन के साथ में वर्ब वन सेकंड पर्सन के साथ में भी वर्ब वन थर्ड पर्सन में हम वर्ब के साथ में एस और ईएस यूज़ करेंगे. पास्ट सिंपल टेंस में हम वर्ब टू मतलब पास्ट टेंस लाइक कीप कैप्ट तो हम पास्ट टेंस में वर्ब टू यूज़ करेंगे. लेकिन व्हेन वी आर मेकिंग द नेगेटिव सेंटेंस वी विल यूज़ डिड नॉट प्लस वर्ब वन. यू आर मेकिंग द सेम मिस्टेक्स when you are going to change into negative any sentence you are putting did not plus same verb two. So students बार बार में मैं ये बोल रही हूँ कि आप did not के साथ में verb one लगाइए when you are making the negative sentence of past simple tense. Then future will not. If you are using short forms please use won't. है ना. आप won't use करेंगे. Will not is not a correct form of या कॉन्ट्रक्शन फॉर्म ऑफ विल नॉट. इट्स अ वॉन्ट. ओके. देन व्हेन वी आर यूजिंग दिस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वी आर यूजिंग इज नॉट. ओके. एंड व्हेन वी इज नॉट
and are not. And when we are using past continuous tense, was and were, when we are making negative, was not and were not. Wasn't, weren't, isn't, aren't, will not, won't, do not, don't, does not, doesn't, did not, didn't. Okay, so that are the short forms. And so I hope आपको ये सब जो tenses मैंने आज तक समझाए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे. If you have any doubt, you can ask to me anytime. You can call me. Okay, students. And you know, students, आप जितनी practice करोगे, जितने sentences आप पढ़ोगे, जितने आप बनाओगे, surrounding देखोगे कि what is happening nearby you, तो उतना ही आप जितना आप practice करोगे बोलने में, उतना ही आपको टेंस क्लियर होते जाएंगे. स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स पढ़े, मतलब जो सेंटेंस आप पढ़ोगे और उसको आप नेगेटिव, जब तक आप उसको स्पोकन, मतलब आपकी डेली कॉन्वर्सेशन में आप उसको यूज़ नहीं करोगे, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड द टेंसेस. क्योंकि टेंस मतलब डेली, टेंस मतलब जो डेली रूटीन में हम बात करते, जो हमारे एक्शंस होते, दैट इज़ कॉल्ड टेंस. टाइम के अकॉर्डिंग एक्शन वर्ड्स चेंज हो जाती है. तो आपको यही माइंड में रखना है. अब आपको बोलने में प्रैक्टिस में लेके आना है, लिखने में लेके आना है, और कुछ रूल्स का ध्यान रखना है व्हेन वी आर मेकिंग नेगेटिव, व्हेन वी आर मेकिंग इंट्रोगेटिव. थैंक यू स्टूडेंट्स.